हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कल इसका वीडियो बना दिया था बैक साइड की कटिंग, आज मैं फ्रंट साइड की कटिंग बताने वाला हूँ बेल्ट वाला। तो इसकी पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बताऊंगा। ये कल वाला वीडियो जो भी मेम्बर्स नए देखे हैं आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं मोइन टेलर के नाम से। ये देखिए बैक साइड की कटिंग हो गया है, अब मैं फ्रंट साइड की कटिंग बताने वाला। तो फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए ये वाला कपड़ा है ना, इसको इस तरह से बिछाना पड़ेगा। अब ये बैक साइड का हिस्सा है ना, इसके ऊपर मैं इसको इस तरह से रखूंगा, इस क्रॉस स्ट्रेट नहीं रखना है, इस तरह से क्रॉस रखना है। और पहला जो काम करेंगे दो मार्किंग यहाँ पर करना है, इसके नीचे से, बैक साइड के नीचे से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये मार्किंग होने के बाद अब बैक साइड का जैसा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले मुझे कटिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बस्ट पॉइंट चेक करेंगे, इस जगह से लेकर के शोल्डर पर, और यहाँ पर से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इसका जो बस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पर देखिए 10.25 इंच रहेगा, ठीक है। और इसी बस्ट पॉइंट पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला मार्किंग मैंने बैक साइड के लिए क्या, ये वाला जो रहेगा कलर, ये फ्रंट साइड के लिए मार्किंग कर रहा हूँ मैं, बैक साइड से ही फ्रंट साइड की कटिंग करता हूँ इसलिए। तो ये बस पॉइंट हो गया। अब इसी जगह से आपको 4.25 इंच पर एक निशान लगाना और इसको सेंटर बना देना। ये सेंटर बनने के बाद आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। अब इसी जगह से ध्यान से देखिए, ये सेंटर से ऊपर की तरफ 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पर एक डॉट का निशान लग गया। अब ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से से इस तरह से मैं इसको निशान लगाऊंगा, और इसकी जो दूरी रहेगी यहाँ पर देखिए 2.5 इंची की रहेगी। ये देखिए इसकी और इसकी दूरी 2.5 इंची की हो गई। अब ये जो बैक साइड का हिस्सा है, यहाँ से आपको 2.5 इंची ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और इस जगह से ये जो निशान दिखा रहा है सेंटर का, ये 3.5 इंच पर रहेगा, 3 इंच का इसका डॉट रहेगा, 1/2 इंची मार्जिन में चला जाएगा। तो हम इसको इस तरह से यहाँ से शेप देंगे, ध्यान से देखिए इस तरह से मैं शेप देना है, और इस जगह से एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर मार्जिन ले लूँगा ताकि यहाँ पर आएगा। कैसे कैसे होगा मैं आपको पूरा क्लियर अभी बता रहा हूँ। अब ये बेल मार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ मार्किंग किया फ्रंट साइड के लिए वहाँ वहाँ मैं पहले इस तरह से बेल मार्क कर लेता हूँ। ये बिल मार्क इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब ये वाला हिस्से को मैं साइड कर लेता हूँ, अभी आप लोग को मार्किंग नहीं दिखाता होगा, मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ पूरे पीस में। ये तो अभी नॉर्मल मार्किंग किया, पहले मैं फ्रंट साइड का गला चेक कर लेता हूँ। इसका फ्रंट का गला है देखिए 7 इंचेस, तो मैं 7 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करूँगा, और यहाँ पर इसको बॉक्स रेडी करना पड़ेगा पहले इस तरह से, ध्यान से देखिए इस तरह से आपको बॉक्स रेडी करना पड़ेगा, और इसी बॉक्स के ऊपर आपको इस तरह से शेप देना पड़ेगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से पहले मैं कटिंग कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं बीच में समझाऊंगा कि आपको कैसे सेटिंग करना है। ये पीस देखिए मैंने इसको कट कर लिया है इस तरह से, अब मुझे यहाँ पर सेटिंग करना है। तो सेटिंग कैसे करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे तो इस जगह से लेकर के ऐसा इसको पकड़ेंगे, ध्यान से देखिए इसको है ना इस तरह से ऐसा पकड़ना है। ये पकड़ने के बाद आपको थोड़ा सा और यहाँ पर नीट इस तरह से कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपकी कटिंग में फिनिशिंग आएगी उतना आपका स्टिचिंग में आएगा, ठीक है। अब इस जगह से डॉट जो निशान लगाएंगे कितना, यहाँ पर देखिए 1/4 इंच पर इस तरह का निशान लगाएंगे, और इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से, और इसको बिल मार्क कर लेंगे, उसके बाद नीचे के साइड में भी मार्किंग करके बताता हूँ। इसको इस तरह से बिल मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से है ना इसको इस तरह से करेंगे सीधा, और इस जगह से जो निशान नीचे की तरफ आया था इसको भी मैं शेप दे दूंगा। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ से, ठीक है। अब मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको पहले इस तरह से चेक करना है, यहाँ से लेकर के कितना आ गया 2.5, 2 पॉइंट, ठीक है। ये तो डॉट में चला जाएगा, तो इसको फिर यहाँ से रखेंगे इस तरह से टेप, और जितना भी इसका वेस्ट रहेगा, तो इसका 28 इंच है, तो 28 इंचेस पर मार्किंग किए। ये निशान लगाने के बाद अब आ जाते हैं असल की बारी, सबसे मेन पॉइंट यहीं पर है कि सबका जो झोल आने का प्रॉब्लम है ना इसी जगह से, आपको इस तरह से ऐसा रखना है, और एक जितना भी आपका चेस्ट रहेगा, तो इसका चेस्ट यहाँ पर देखिए 36 है, तो मैं 36 इंचेस पर मार्किंग करूँगा। ये मार्किंग करने के बाद अब ये वाले निशान को ये वाले निशान से मैं मिला दूंगा इस तरह से, और एक्स्ट्रा जितना बैक साइड में रखे थे उतना ही मार्किंग मैंने कर लिया, और इसको मैं कट करके निकाल दूंगा।
ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा इसको कट करके निकाल दिया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि आपको ना इस तरह से फोल्ड किए हैं इस तरह से। अब यहाँ से मैं फ्रेंच साइड का हाला कटिंग करूँगा, तो इसके लिए आपको इतना पीस कट करके निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। इतना आप अगर कटिंग कर देंगे तो यहाँ से झोल इसका ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कट करके निकाल दिया। तो पहला काम यहाँ पर एक नॉच लगाना है। ये नॉच लगाने के बाद एक मतलब आपको अच्छे से देख लेना है कि इसकी कटिंग किस तरह से हुई। तो ये देखिए इसका है ना कटिंग इस तरह से हो गया। अगर आप लोग को पसंद आए तो एक मरतबा लाइक कर देना, और अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल मोइन टेलर को, ताकि हर दिन जो आपको ब्लाउज की कटिंग देखने को आसानी से मिल जाए। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहा तो यहाँ पर मेरा देखिए इंस्टाग्राम आईडी लिखा हुआ है मोइन टेलर 786। यहाँ पर आप मैसेज करके आप कॉल कर सकते हैं कि आपको कौन से साइज की ब्लाउज की कटिंग करवाना है। और अगर आप लोग को एक और चैनल है, ये मेरा चैनल है मोइन टेलर फर्स्ट, और सेकेंड चैनल मेरा है डिजाइनर मोइन, ठीक है। इस चैनल पर आपको लाइव आकर के मैं ब्लाउज की कटिंग बताता हूँ, तो आप इस चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर देना है। ये हमारा ही चैनल है मोइन टेलर डिजाइनर मोइन। मोइन टेलर तो ओरिजिनल मेरा चैनल है, और ये वाला सेकेंड वाला है आप लोग के कहने पर मैंने यहाँ पर लाइव आकर के ब्लाउज की कटिंग फ्रॉक की कटिंग बताता हूँ। तो डिजाइनर मोइन को आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग कर दिया। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग बता रहा हूँ आसान तरीके से। बेल्ट कटिंग करने के लिए बैक साइड का हिस्सा नीचे रखना है, और फ्रंट साइड के हिस्से को इसके ऊपर ये नॉच मिलाना है। और आपको यहाँ से देख लेना कि इसकी जो गैप कितने इंचेस है। तो यहाँ पर गैप हम इस तरह से चेक कर लेते हैं, 3.25 इंच है। तो 3.25 इंच का हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करेंगे, तो इसके लिए ये वाला हिस्सा कपड़ा लिया है मैंने, और यहाँ से हम इसको दो मार्किंग करेंगे। पहले एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से ये वाला जो निशान है ना, इसको कट कर लेता हूँ मैं पहले। अब देखिए बेल्ट का निशान जो है ना 3.25 इंच का था, तो मैं 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 3.25 इंच का निशान लगाऊंगा, और इसको मैं स्ट्रेट लाइन पहले इस तरह से कर लेंगे। ये निशान करने के बाद आपको पहला काम करेंगे हम इसको इस तरह से इतना कट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। ये क्यों निकालते हैं आपको स्टिचिंग करने के टाइम पर मालूम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंची इस तरह ऊपर की तरफ इधर से निशान लगाएंगे, और इस जगह पर ऐसा हम शेप इसको इस तरह से देंगे। उसके बाद जितना भी आपका वेस्ट रहेगा तो इसको इतना मार्किंग कर लेना है इस तरह से, और इसकी आप कटिंग कर लेना है। ये देखिए ये तो हो गया बेल्ट की कटिंग। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है, और इसको यहां से हम इस तरह से अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये बैक साइड की कटिंग हो गई। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए सबसे पहला काम है ना आपको इस तरह से, यहां से ध्यान देते देखिएगा आप लोग, आस्तीन कटिंग करने के लिए जितना भी लेंथ रहेगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा इसका 10 इंच से मैं 11 इंचेस पर मार्किंग किया। उसके बाद यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्किंग किया, और ये छोटा निशान मैंने इस तरह से लगा। अब इसको टेप इस तरह से करेंगे, और इसका देखिए 15.5 है, तो 15.5 पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से शेप दे दूंगा, और ये वाले निशान को इस तरह से मिला दूंगा। ये देखिए तो इसका है ना आस्तीन का कटिंग भी इस तरह से हो जाएगा। कैसा लगा एक मरतबा जरूर कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग के साथ। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो हमारे चैनल मोइन टेलर को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि हर दिन नया नया ट्रिक आपको मिलता रहे। और कमेंट करना ना भूले कि आपको ये ट्रिक और ये डिजाइन आपको कैसा लगा, और इसकी कटिंग।